आगरा के संजय पैलेस स्थित स्कॉट एंड एकेडमी पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर व्यक्तिगत वित्त पर निवेशक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर निवेशकों को उनके सुरक्षित निवेश के साथ आर्थिक सुरक्षा प्राप्ति के साधन भी बताए। एकेडमी के निदेशक देवांश शिवहरे ने बताया कि वर्तमान समय हमारे सामने वित्तीय सुरक्षा के कई प्रश्न लेकर आया है। अपने अस्तित्व को बचाने के साथ साथ वित्तीय सशक्तिकरण भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेवी साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों की जिज्ञासा थी कि सेविंग निवेश महंगाई का आम व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, धोखाधड़ी से बचने के लिए कहां शिकायत दर्ज की जाए, जैसे कई प्रश्नों का उत्तर कार्यशाला में सेवी द्वारा दिया गया। जी, ये कार्यशाला स्टॉकेड एकेडमी द्वारा और साथ में सेवी द्वारा आयोजित की गई है। पर्सनल फाइनेंस पे ये कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हम लोग क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारी आम पब्लिक के लिए अवेलेबल है मार्केट में, उसके बारे में हमने जानकारी दी है। साथ में कौन सी एज ग्रुप पे क्या इन्वेस्टमेंट्स हमें करने चाहिए जिससे हमें बेटर रिटर्न्स मिलें और अपने आने वाले जो जीवन है उसके आगे के हम जितने भी कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह और अपने बच्चों की पढ़ाई, फिर बच्चों की शादियां, ये सब के बारे में हमें कैसे अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना है, कैसे सही इन्वेस्टमेंट करने हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम रिटर्न बना पाएं इसका, तो इसके बारे में आज जानकारी दी जाएगी। और 1.25 घंटे का ये सेशन है, 2 बजे से आज की शुरुआत हुई। इसके बारे में जो श्रोता हैं, जो स्पीकर हैं,